हाय एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं वेट गेन की, जो कि हमारी पिछली दो वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू हो चुकी है। आज हम बात करते हैं पार्ट थ्री की, के इवनिंग स्नैक और डिनर में क्या लेना चाहिए। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोसिक जिम को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट भी करिए कमेंट बॉक्स में जाके। चलिए बात करते हैं पार्ट थ्री, वेट गेन और इवनिंग स्नैक और डिनर। इवनिंग स्नैक में क्या रहना चाहिए, जबकि हमारा इवनिंग स्नैक रहेगा 4 to 5 PM के बीच में, जिसमें हम लेंगे स्वीट पोटैटो या 2 boiled eggs या नहीं तो 4 ब्रेड विथ पीनट बटर, जो कि पोस्ट वर्कआउट में भी काउंटिंग में आ सकता है। अगर आप बिगनर्स है, वेट गेन करना चाह रहे हैं, इवनिंग टाइम पे अगर वर्कआउट करें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, बेस्ट रहेगा। और उसके बाद हमारा डिनर रहेगा 1 bowl ऑफ वाइट राइस, जिसमें आप करी, पल्सेस कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन या नहीं तो फिश 200 ग्राम उसमें ऐड करिए। और अगर हो सका तो वेजिटेबल्स में बीटरूट, कैरेट, खीरा ऐड करिए, जो कि आपका डिनर कंप्लीट होना जाना चाहिए कि 8 to 8:30, उससे पहले आपको डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे अगले वीडियोस के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन ये चाहिए तो आप पहले सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकॉन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करिए, या नहीं तो वेट गेन से रिलेटेड ना हो के अगर आपको कुछ भी फिटनेस से रिलेटेड टिप चाहिए तो आप बेफिक्र होकर हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।